एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है सब परिचय दिया। आदरणीय सभापति जी, जब हम हमारी सरकार के परफॉर्मेंस की बात करता हूं, एनडीए की जो गरीब कल्याण की नीतियों की बातें करता हूं, थोड़ा सा अगर उस समाज को निकट से जानते हो, आखिर कौन समाज है लाभार्थी, कौन लोग हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में किसको रहने के लिए जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, ये किस समाज के लोग हैं, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, व्यवस्थाओं से वंचित रहना पड़ा है, कौन समाज है। हमने जितना काम किया है ना, ये एससी एसटी ओबीसी आदिवासी इसी समाज के लिए, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर मिला है, तो मेरे इस समाज के बंधुओं को मिला है। स्वच्छता के अभाव में हर वर्ष बीमारी से जूझना पड़ता था, उनको सर स्वच्छ भारत अभियान का लाभ देने का काम सभापति जी हमारी योजनाओं के तहत मिला है, ताकि उसको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिला। इसी परिवारों के हमारी माताएं बहनें धुएं से खाना पका पका करके अपनी स्वास्थ्य के संकट को झेल रही थी, हमने उनको उज्ज्वला गैस दिया, वो इन्हीं परिवारों का। मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, इसके लाभार्थी यही मेरे परिवार है, जो समाज के इस वर्ग के मेरे परिवारजन हैं, जिनके लिए हमारी सारी योजनाएं काम कर रही है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ ऐसा नैरेटिव रखा गया, कम से कम तथ्यों को इस प्रकार से नकारना किसका भला होगा। आप ऐसा करके अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी खो रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां शिक्षा के भ्रामक आंकड़े रखे गए, गुमराह करने का कैसा प्रयास होता है। पिछले 10 वर्ष में एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, 10 साल में उसकी वृद्धि हुई है। इन 10 वर्षों में स्कूलों में, हायर एजुकेशन में नामांकन की संख्या भी बहुत बड़ी है और ड्रॉप आउट बहुत तेजी से कम हुआ है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले 120 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, आदरणीय सभापति जी आज 400 एकलव्य मॉडल। आप इन चीजों को क्यों नकारते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सभापति जी, पहले एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी, आज 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज हैं। आदरणीय सभापति जी, ये भी सच्चाई है कि लंबे अरसे तक दलित पिछड़े आदिवासी बेटे बेटियां कॉलेजों का दरवाजा तक नहीं देख पाते थे। मुझे याद है, मैं गुजरात में जब सीएम बना, तो मेरे लिए चौंकाने वाला एनालिसिस मेरे सामने आया, गुजरात में उमरगांव से अंबाजीपुरा बेल्ट आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारे दिग्विजय जी के एक दामाद भी उसी इलाके में है, उस पूरे इलाके में साइंस स्ट्रीम की एक भी स्कूल नहीं थी। मैं जब वहां गया, अब उस इलाके में मेरे आदिवासी बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं होगी, तो इंजीनियरिंग डॉक्टरी का तो सवाल ही कहां उठता है। ऐसी मिनिमम चीजें उन, और यहां पर क्या भाषण दे रहे हैं जी। आदरणीय सभापति जी,
और मैं बताना चाहता हूँ, सदन को गर्व होगा, संतोष, आप उस सदन में बैठे हैं वहाँ एक ऐसी सरकार आपके साथ बात कर रही है, एक ऐसी सरकार नेतृत्व कर रही है जहाँ कितना बड़ा परिवर्तन आया। आप उस समाज का विश्वास बढ़ाइए, उनका हौसला बुलंद कीजिए, वो देश की मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें। आप देखिए आदिवासी और हमारे एससी एससी समाज के विद्यार्थियों का नामांकन, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। उच्च शिक्षा में एससी विद्यार्थियों का नामांकन 44% बढ़ा है, उच्च शिक्षा में एसटी विद्यार्थियों का नामांकन 65% बढ़ा है, हायर एजुकेशन में ओबीसी समाज के विद्यार्थियों का नामांकन में 45% बढ़ोतरी। और जब मेरे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित उन परिवार के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उस समाज के अंदर एक नया वातावरण पैदा होगा और उस दिशा में हमारी कोशिश यही है कि मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगे लेकिन मजबूती से काम करें, और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस प्रकार से बल देकर काम किया है। कृपा करके, जानकारियों का अभाव है तो कहिए, हम जानकारियां दे देंगे, लेकिन ऐसे नैरेटिव मत बनाइए ताकि आपकी प्रतिष्ठा भी कम हो, आपके शब्द की ताकत खत्म हो जाए, आप पर दया आ जाती है कभी कभी। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और जब इतने सारे काम करते हैं, मान लीजिए किसी ने एक कविता लिख करके भेजी थी, कविता तो बड़ी लंबी है, तो उसमें एक वाक्य है, मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है, नए भारत की भोर, नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर।